एक तो आप पहली बात है कराची के डोमिसाइल पे आपको नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। पिस्टल लेकर बाहर निकले डकैतियां करें। भाई सेलिब्रेट तब होगा ना जब जेल में कुछ होगा। जेल में कुछ है ही नहीं, लोग चाह रहे हैं हम बाहर चले। मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट भी है मेरे अंदर, काफी सारे टैलेंट है, तो पर पाकिस्तान में दिल नहीं लगता। क्यों 25,000-30,000 जो खर्चे हैं 12 रुपए के, मिल रहा है 6 रुपया तनख्वाह, क्या करेंगे हम। इसीलिए हम भी बाहर जाना चाह रहे हैं, और किसी के पास कुछ हो तो ज़रूर बताएं वीज़े का, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते 4.5 लाख रुपये 5 लाख रुपये, क्योंकि यहाँ पर इतना कमाया ही नहीं जाता है। जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है, रोज़ाना 2 रुपये कमाते हैं 5 रुपये घर का खर्चा होता है, क्या करें। या तो हम लोग यही करेंगे, पिस्टल लेकर बाहर निकलें, डकैतियाँ करें जो आज चल रहा है। और ज़्यादातर लोग जो कर रहे हैं ये काम वो मजबूर है, मजबूरी के खातिर कर रहे हैं, कोई शौक से नहीं करते। नहीं सामना कर रहे हैं पर अब हिम्मत खत्म हो गई है। हम अभी भी शौक है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ जेल में हो तो फिर घर भी सजाएं, जैसे पहले सजा देते खुशी से। अभी ये कोई खुशी से नहीं कर रहा है, ये सिर्फ तफरी कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं सिर्फ तफरी कर रहे हैं, कोई भी शौक से नहीं कर रहा है। किसी को बोलो पाकिस्तानी, वो बोलते हैं नहीं मैं तो इंडियन हूँ, मैं तो यूँ फलाना हूँ ढमकाना हूँ, और ये बात हकीकत है। 14 अगस्त अभी तफरी वाली बताऊँ किस तरह मनाते, वो इस तरह मनाते हैं, ये देखो। तो ये 14 अगस्त मनाना नहीं हुआ, ये तफरी हुई, सिर्फ मजाक हुआ। ये तो शैतान आजाद हो गया, मुसलमानों का शेर है। सर बेसिकली पाकिस्तान में तो लाइफ नहीं है अभी इस टाइम पे, पिछले 2 साल में जो हालात हो गए ना, बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, बिल्कुल खत्म, मुल्क बिल्कुल दी एंड पे चला गया है। अब ये है कि रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया फिलहाल भाई। ये तो हकलाल की रोजी हम नौजवान जो हैं वो कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए हमें नौकरियां दें, गवर्नमेंट को चाहिए कराची के नौजवानों को गवर्नमेंट की नौकरी दें, वरना कराची के नौजवान मजबूरन गलत फील्ड में जा रहे हैं। यानी कि कराची में क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ गया है, आपके सामने आपको भी पता होगा, गवर्नमेंट के हर अफसर को पता है कि कराची में क्राइम रेट है। क्राइम रेट की वजह से चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी प्रॉब्लम हैं सारे सॉल्व हो जाए, तो क्राइम रेट होगा ही नहीं। हालात ऐसे हो गए ना यार, आप आज़ाद हैं पर आज़ाद हैं नहीं, हम आज़ाद हैं पर आज़ाद हैं नहीं। आप कोई किसी के से, जैसे कि अभी पिछले दिनों खान साहब को अरेस्ट कर लिया, अब बंदा उनके लिए बंदा बाहर निकले कैसे निकले। एक सर एक हकीकी आज़ादी है ना, आप बोल नहीं सकते, आपके जो करप्ट निज़ाम के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, तो ये आप आज़ाद थोड़ी हैं। आज़ाद कौम वो होती है कि जो अपने हकूक़ के लिए आगे आवाज़ उठाए। आपको आवाज़ उठाने दी नहीं जाती, आपको पकड़ के आपके घर पे छापे मारे जाते हैं, उठा के जेल में बंद कर देंगे बिना सबूत के। पाकिस्तान को छोड़ने पे मजबूर कर दिया इस कौम को, इतने हालात खराब कर दिए हैं। आजकल लोगों के बिलों का आप देखें कितने प्रॉब्लम पड़ गई है। एक इंसान 25,000-30,000 रुपये कमाता है, 50,000 रुपये बिल कहाँ से जमा करेगा। सर मैंने लास्ट टाइम भी इधर लगाया था, इधर पाँव रखने की जगह नहीं थी। अब एक झंडा भी अगर जो 500 वाला है वो 1,000 में हो गया, तो आप मुल्क का झंडा नहीं खरीदने के पैसे, तो फिर आप खाने के पैसे कहाँ से होंगे पाकिस्तान भाई। यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दिल भर के लोग खरीदारी भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रौनक भी बहुत ज़्यादा होती है। आप 11, 12 और 13 आप इस दिन यहाँ पे गली में पाँव भी रख नहीं सकते, इतनी जगह नहीं होती भाई, बहुत रश होती है यहाँ पे। मनानी चाहिए हर चीज़, क्यों नहीं मनाएंगे हम अपना 14 अगस्त तो मनाएंगे भाई। भाई महंगाई जितनी भी हो अल्लाह देने वाला, और अल्लाह जो है ना इस दफा भी 14 अगस्त अच्छी मनवाएगा। बस वन मिलिंग और नहीं करे, खुदकुशियों वगैरह से दूर रहे, बाकी जश्न आप पढ़ाई तो करेंगे, पाकिस्तान थोड़ी छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद।